है गाइस, अभी आप लोग देखिए रात को कितना 9 बज रहा है। नियति का बुक हमने तो ला दिया था, नियति दिखाए, इसके सारे बुक हमने ला दिए थे, बुक्स ला दिए थे, पर कवर अभी तक नहीं लगाए थे। और स्कूल इसका चालू होने वाला है मंडे से, तो अभी कल स्कूल में मीटिंग भी है, हमको जाना है, सुबह 8:30 बजे ही जाना है। तो अभी कवर लगा लेते फटाफट, लेके आ गए इसके पापा। लेकिन देव है ना, देव आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है वो नहीं लगाने देगा, मैं पकड़ने वाली हूँ उसको, तो लगाएंगे मिस्टर क्योंकि वो मुझे लगाने नहीं देगा, वही लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वेट करिए, आपके साथ शेयर करते हैं कैसे लगाते हो। बहुत मस्त कवर लगाते हैं, लेकिन उतना अच्छा तो मुझे भी नहीं आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे लगाते हैं। तो गाइस अभी देखिए मैं नेति के बुक्स से कवर लगाने के लिए बैठा हूँ, और अभी इनके स्कूल में रिक्वायरमेंट थी कि एकदम ट्रांसपेरेंट लगाना, जिससे कि लोग कोई बुक के बारे में पता चले, क्योंकि अभी छोटे है ना, इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट लेके आया है। ट्रांसपेरेंट में ये प्लास्टिक है और लगाने में थोड़ा दिक्कत तो होगा, फिर भी मैं लगा दूँ, बहुत एक्सपीरियंस है सब कवर लगाने का। अभी तक कवर नहीं लगा था ना, कल स्कूल में मीटिंग है अभी तक नहीं जानता, पर अब लगाना जरूरी है, क्योंकि कल टीचर बोल मैसेज छोड़ी है कि सबके बुक में कवर लगा होना चाहिए, कल चेक करेंगे बुक इसके लिए। और ये रहा मेरा जो बाल, ये है तो बुक में कवर लगाने दे ही नहीं रहा, अब मैं इसको लेके जाऊंगी इधर से तो ही लग पाएगा, नहीं तो ये लगाने देने वाला नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, पहले दिखा दे नियति को स्टेपलर बोलने नहीं आ रहा, स्नैपनल स्नैपनल कर रही है क्या नियति? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल सुमन मिस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तभी हम लोग सुबह सुबह के 8:15 हो गए हैं और 8:30 बजे नियति के स्कूल में पहुंचना है, पेरेंट्स मीटिंग है और देव सो रहा था पर इसको बुला दी ये उठ गया। अभी अभी रेडी होकर हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, सब तैयारी हो गई है, झोला लिए है, झोले में बुक्स है सारे वो टीचर बताने वाला है ना कैसे बच्चों को पढ़ाना है करना है। चलिए चलिए हम लोग वहाँ जाके आपको स्कूल में वापस मिलेंगे, और मीटिंग्स भी थोड़ा बहुत बाई चांस हो सकेगा तो दिखाएंगे आपको। ओके गाइज मिलते हैं फिर। तो गाइज अब हम आ गए हैं नियति के स्कूल में, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मीटिंग के मीटिंग क्लास में। हाँ पेरेंट्स आ रहे हैं सारे के साथ, हम भी आ गए से। आजकल बच्चों की जगह पे सारे पेरेंट्स लोगों की पढ़ाई चल रही है, सुबह से शाम तक इनके पीछे ही घूमना, और हमारी पढ़ाई के टाइम पे सब कुछ था ही नहीं, कोई रोल ऐसा था ही नहीं। अभी देखिए गाइस मैं ना बाहर आई हूँ, क्योंकि मीटिंग चल रहा है तो इस वजह परेशान कर रहा है, इसलिए मैं लेके बाहर आ गई। ये देखिए गाइस छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, आ
आपको नियति के बुक का दिख रहा है। हमने वो आप पूछ सकते हो ना इधर मिट्टी पर सो कुछ पैसे नहीं बैठ है बेटा मुझे ना आस ना तो क्यों नहीं पूछा तुमने चलते हैं अब घर पे काम धाम तो हो गया थोड़ा बहुत पढ़ाई हो गई हमारी। अरे तो बुक्स जमा करना था ना बुक्स जमा था और कैसे बच्चों को भेजना है वो सब बताए बुक्स रेडी कैसे करना है। आजकल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है एक्चुअल में देखा जाए तो माँ बाप की पढ़ाई हो रही है हाँ क्योंकि बच्चों से ज़्यादा भार तो माँ बाप के ऊपर हो जा रहा है। पहले के और आज में थोड़ा फर्क तो है थोड़ा क्या काफी फर्क आ गया। चलिए फिर चलते हैं। दिन का नजारा आप लोगों ने रात को देखा था अभी दिन में देखे कितना मस्त लग रहा है। अकेले अकेले खाती हूँ घर पे पार्सल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में देख के यहाँ खाते हुए हे गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है वो भी आज पहली बार हो रही है सूरत में पहली बार बारिश। एक बार और आया था पर इतना नहीं आया था लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। ये देखिए ये तो बहुत कम है पता है जब बारिश आता है तो ये जो आपको रोड दिख रहा है पूरा पानी से भर जाता है ये अंदर तक रूम में चला जाता है पानी। वो जिस दिन आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कैसे होता है ना दृष्टि हाँ। पूरा पानी अंदर रूम में चला जाता है अभी तो बहुत कम बहुत अच्छा खुशबू आ रही है ना महक एकदम मिट्टी मिट्टी। और गाइस अब जैसे मैंने आपको दिखाया देखिए बारिश हो रही है तो हम लोग घर पे आ गए थे कभी 10:30 बजे तक घर पे आ गए थे और हमने नाश्ता रस्सा वाला खम्मन खाया और घर के लिए खम्मन लेके आए। अभी आए तो देर हो रहा था वो सो गया है अभी देखिए धूप में निकल गया ठीक है फ्रेंड्स तो मिलेंगे कुछ देर बाद बारिश हो रहा है अच्छा लग रहा है इतना दिनों बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा सुबह से ही गर्मी गर्मी लग रहा था। ये देखिए देव कैसे खेलता है बॉल से बुला रहा है अब नियति ला के देगी तो फेंकेगा दो नियति उसको हम लोग अकेले नहीं छोड़े हैं। देखिए आ गई उसकी बुआ और यहाँ पे मम्मी बैठी है और बाबू खेल रहा है नियति भी और बहुत सारे बच्चे हैं ये लोग भी खेल रहे हैं। देखिए बॉल कैसे मांग रहा है नियति से फेंकेगा तुरंत हाँ ले लिया बैट ऐसे ही खेलता है वो। हे गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम हो चुका खाना बनाने का टाइम हो गया रोज को आपको मालूम है देव जाता है शाम को तो मैं खाना बनाती हूँ मैं बना रही हूँ आज खीर और आलू की भुजिया और आलू और चना की सब्जी बना के हमने रख दिया है इधर है उसके अंदर और बनाना है खीर तो खीर बन रहा है ये देखिए उबल रहा है खीर मैंने आटा सान के रख दिया आटा और अभी थोड़ी देर के बाद से थोड़ा बर्तन है टब में उसको धो लूँ फिर जा रही हूँ बनाने। अब मैं एक ही बार बना के आप लोगों से मिलती हूँ तो ठीक है फ्रेंड्स बने रहेगा आप इस ब्लॉग में ओके तब तक के लिए बाय बाय। और आज का मौसम ना बारिश की जैसे हुआ मैंने आपको दिखाया था दिन में बारिश हुई थी पर ऐसा लग रहा है कि रात को भी आज बहुत बारिश होने वाली है अभी एकदम अंधेरा हो चुका है तो पावर कटने से पहले मोबाइल चार्ज कर लेना ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद मिलेंगे। आज पूरी सब्जी और खीर बना रही हैं हमारे मिसिस देखिए पसीने से पूरी भुगी हुई पूरी टुकड़े टुकड़े करके बन रही है आज समोसा समोसा पूरी बोलते हैं इसको क्रॉस क्रॉस पसंद आता
और ये पूड़ी अक्सर ये फूलती भी बहुत मस्त है पर ये देखिए सही में समोसा पूड़ी जैसे ही फूलता है और थोड़ा सा रुक रहा है कि इसीलिए वो नहीं फूला आप दिखा रहे ना इसीलिए बाकी दिखा रहे बाकी नीचे सब पूरी चने की सब्जी भजिया खीर मस्त लग रहा था। पूरी कड़क हो जाती है तो मजा आता खाने में।